गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स? चैप्टर नंबर 7 आना है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। इसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज टॉपिक है अपना इसके अंदर लीफ, कंटिन्यू में था ये अपना। उसके अंदर अपने फंक्शंस ऑफ लीफ डिस्कस किए थे सिर्फ प्रीवियस क्लास में। तो फंक्शंस ऑफ लीफ के अंदर देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्टेशन, ये मेन फंक्शन है इसके। तो अपन यहाँ पे फर्स्ट देखा मैन्युफैक्चर ऑफ फूड, यानी लीव्स जो होती है वो फूड का मैन्युफैक्चरिंग करती है इसके अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस में जाने का फोटो का मतलब हो गया लाइट, सिंथेसिस यानी प्रिपेयर करना, यानी लाइट की प्रेजेंस में फूड को प्रिपेयर करना। तो एक्चुअली जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो है वो लाइट जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है? तो लाइट जो है वो एसेंशियल होती है। तो ये लाइट रिक्वायर्ड होती है, इसी को यहाँ पे प्रूव करने के लिए जो है एक एक्टिविटी अपन यहाँ पे करते हैं। इसके अंदर एक्टिविटी नंबर है आपका, इसके अंदर बुक के अंदर एक्टिविटी नंबर 6 दिया था इसके अंदर आपका, ठीक है? ये देखिए अपने को करना क्या, आपको क्या प्रूव करना है इसके अंदर। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या प्रूव करना है इसके अंदर? सनलाइट इज नेसेसरी, सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के सनलाइट नेसेसरी होती है। तो यहां पे देखिए इसके अंदर अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अभी क्या करें, एक पोटेड प्लांट लिया, एक गमले में लगा हुआ प्लांट है अपने पास में, ठीक है? ये कोई एक पोटेड प्लांट है अपने, अब देखिए इस पोटेड प्लांट को आपको करना क्या है इसमें। पहले स्टूडेंट इसको लेके आपको किसी डार्क रूम के अंदर रखना है जहां पे सनलाइट ना आती, ठीक है? आपको इसको कुछ दिन के लिए जो है 3-4 days तक के लिए इसको किसी डार्क रूम के अंदर इसको रख लेना है, या फिर इसको जो है एक कवर कर दो आप पूरा, इसको जो है एक ब्लैक कवर से इसको कवर कर दो। इसके अब तक लाइट नहीं पहुंचना चाहिए, इस तक जो है लाइट वो यहाँ तक नहीं पहुंचना चाहिए, इन लाइट नहीं देना आपको। तो 3-4 days तक आप इसको डार्क के अंदर रखिएगा। फिर इसको क्या करिए, इसी प्लांट्स को जो है आप ले आइए इसको डार्क रूम से जो है वो बाहर ले आइए, और इस प्लांट के अंदर क्या करना है आपको, अब इसको सनलाइट के अंदर आपको रखना है इसके अंदर सेम प्लांट्स को जो है। अब देखिए डार्क रूम में इसलिए रखा कि इसके अंदर जो फूड स्टोरेज है वो यहाँ पे खत्म हो जाए, है ना? तो यहाँ पे अब इस प्लांट के अंदर जो है ये अपन क्या कर रहे हैं इसको कि भाई सनलाइट के अंदर आपको इसको एक्सपोज करना। पहले इसको डार्क में रखा आपने काफ़ी दिन तक, ठीक है, 3-4 days। अब इसके अंदर अपना जो है इसको सनलाइट के अंदर एक्सपोज करना। लेकिन एक्सपोज करते टाइम अपने को क्या ध्यान रखना है, इसमें एक लीफ अपन कोई भी एक सेलेक्ट कर लें, लीफ जो है वो हेल्दी लीफ है, इसके ऊपर एक क्या करते हैं, इसके कुछ पोर्शन के ऊपर ऐसे एक ब्लैक कलर का टैप लगा देते हैं या ब्लैक कलर का कोई स्ट्रिप ऐसे पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो ये ब्लैक स्ट्रिप है, ब्लैक स्ट्रिप है, यहाँ पे इसको हम टेस्ट करते हैं। अब इसके ऊपर अपन सनलाइट आ रही है, अब इसको सनलाइट के अंदर एक्सपोज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये लीफ के ऊपर सनलाइट आएगी, कुछ टाइम तक इसको रखते हैं इसके अंदर, कुछ आवर तक इसको रखते हैं, उसके बाद इस लीफ को यहाँ से अपन अलग कर सकते हैं, प्लग कर सकते हैं। तो इस लीफ को अपने यहाँ से अलग कर दिया, ठीक है? तो इस लीफ का कुछ पोर्शन जो है वो कवर था, अब इस स्लीफ को आप हटा दीजिए इस लीफ को, ठीक है? अब इस लीफ को क्या करिए आप इसके अंदर आपको बॉइल करना है इसको, इसके अंदर एल्कोहल के अंदर इसको पहले वाटर के अंदर बॉइल करते, फिर इसको जो है बॉइल करना इसके अंदर एल्कोहल में। तो जैसे एल्कोहल में बॉइल करोगे इसमें लीफ को, तो ये जो ग्रीन लीफ जो है, ये अभी जो लीफ होती है वो ग्रीन है, ग्रीन लीफ जो है वो टर्न हो जाएगी, टर्न इनटू कलरलेस लीफ के अंदर ये चेंज हो जाएगी। अब क्या करना है इसके अंदर, ये लीव्स जो है कलरलेस लीफ के अंदर इसको वापस वॉश कर दीजिए इसके अंदर प्रॉपर, ठीक है? वॉश करने के बाद इसके ऊपर जो है अब क्या करना है, इस लीव के ऊपर आयोडीन एड करिए, एड आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन
सॉल्यूशन का ऐड करेंगे, ठीक है। तो आप आयोडीन सॉल्यूशन इसके अंदर ऐड करोगे इसके अंदर, तो आप देखेंगे इसके अंदर कि लीफ का जो पार्ट आपने ब्लैक कलर से कवर करा था, ये जो पोर्शन जो ब्लैक स्ट्रिप से कवर था, इस पोर्शन के ऊपर आपको कोई भी ब्लू कलर या ब्लैक इज ब्लू कलर नजर नहीं आएगा, लेकिन जहां पे ये कवर्ड नहीं था ये वाला जो पार्ट है वो आपको ब्लू ब्लैक ब्लू कलर आपको देगा, ब्लैक ब्लूइश कलर आपको इसके अंदर अपीयर होगा इसमें, ठीक है। जो पार्ट अनकवर्ड था, ठीक है, वही। तो इसका मतलब एक्चुअली हुआ क्या इसके अंदर कि अपने जहां पे जब इसको सनलाइट के अंदर रखा तो इसको अपने कवर कर देते, इस पार्ट को सनलाइट अवेलेबल नहीं हो पाई, तो इस पार्ट के अंदर जो है वो स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक्चुअली जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है स्टार्च में, यानी स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म, और स्टार्च जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर अपीयर करता है इसके अंदर। लेकिन ये वाला पोर्शन जो कवर कर दिया था आपने, यहाँ पे जो सनलाइट नहीं आएगी, यहाँ पे स्टार्च नहीं, इससे आपके कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक्टिविटी आपको प्रूव कर रही है इसके अंदर कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है सनलाइट बहुत नेसेसरी होती है। एक और एक्टिविटी है टू डेमोस्ट्रेट दैट द वाटर इज द गिवन ऑफ ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन। क्या बताया इसके अंदर, ये अपने बताया कि प्लांट जो है ट्रांसपिरेशन शो करते हैं, ट्रांसपिरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अपना ट्रांसपिरेशन का मीनिंग क्या होता है, वाटर जो है प्लांट की लीफ के स्ट्रोमेटा इसके थ्रू इवेपोरेट होता है। तो इसी एक्टिविटी को आपको यहाँ पे प्रूव करना, तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 7 है इसके अंदर, एक्टिविटी नंबर 7 है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रूव करना है, डेमोस्ट्रेट करना है दैट द वाटर इज गिवन ऑफ ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। वाटर इज given off during translation, during translation process। तो अपने क्या करते हैं, पॉटेड प्लांट देते हैं इसके अंदर, पूरा वाटर डाल के देते हैं इसमें, वाटर पॉटेड प्लांट अपने को क्या करना है, इस पॉटेड प्लांट के ऊपर एक जो है पॉलिथीन का कवर लेना है, इसको सनलाइट के अंदर रखना और एक पॉलिथीन की कवर से इसको पूरा ऐसे कवर कर देना, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन कवर से इसको कवर कर देना पाइप से, ठीक है। कुछ टाइम के लिए इसको आप रखिएगा इसके अंदर, सनलाइट के अंदर ही रख दीजिए, आप देखोगे इसके अंदर कुछ टाइम के बाद में आपको जो है यहाँ पे पॉलिथीन का जो कवर है इसके अंदर की तरफ आपको कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स नजर आएंगे। तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स आई कहाँ से एक्चुअली, तो हुआ क्या इसके अंदर, जो प्लांट की जो लीव्स है, लीव्स पे जो वाटर इवेपोरेट हुआ और ये वाटर इवेपोरेट होकर इसके पॉलिथीन के कवर के ऊपर गया तो वहां पे कंडेंसेशन हो गया, तो इस वजह से जो वाटर जो वापस कवर्ड हो गया वाटर की ड्रॉपलेट्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये एक्टिविटी प्रूव करती है कि जो ट्रांसमिशन प्रोसेस होती है उसके अंदर प्लांट की लीव्स के थ्रू जो है वाटर इवेपोरेट होता है। ओके स्टूडेंट, ये अब नेक्स्ट एक टॉपिक है इसके अंदर, अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स, अदर फंक्शंस ऑफ लीव्स। लीव्स के और कौन कौन से, ये 3 मेन फंक्शंस तो अपने डिस्कस कर लिए इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसके अंदर अदर फंक्शन, फर्स्ट अपन लेते हैं डिफेंस, डिफेंस यानी सुरक्षा का काम करते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है वो स्पाइक्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कुछ प्लांट जैसे कैक्टस है, डेड पाम है, प्रिकली पॉपी है, ये जो है लीफ जो होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है स्पाइन के अंदर, कांटों के अंदर, तो ये डिफेंस का काम करती है। दिस स्पाइन प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, तो ये तो उससे वाटर का लॉस नहीं होने देती है, यानी वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है, हार्ड स्ट्रक्चर होती है तो वाटर का लॉस। और नेक्स्ट है इसको जो है कोई भी एनिमल्स जो है उसको नहीं खाते, तो ग्रेजिंग एनिमल्स इसको प्रोटेक्ट करती है, तो इस तरह से ये डिफेंस का काम करती है कुछ लीफ। तो आपने एग्जाम्पल दिया इसके अंदर से कैक्टस के अंदर, सपोज से कैक्टस, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर अपना कुछ प्लांट जैसे अपना एग्जाम्पल स्वीट पी लेते हैं, स्वीट पी लेते हैं इसके अंदर, तो स्वीट पी के अंदर आपने देखा होगा इसके अंदर कि जो ये प्लांट के जो लीव्स होती है कुछ लीव्स जो है मॉडिफाइड होके वो टेंड्रिल्स बना देती है, ये इस तरह का जो है आपको डाटा देखने को मिलता है, ये जो उसको सपोर्ट करती कहीं भी कोई
साइटिंग का कोई भी हार्ड ऑब्जेक्ट होता है उससे ये ऐसे कॉइल हो जाती है, तो उसको ऊपर की तरफ ले जाने सपोर्ट करते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं लीफ ब्रांचेस, ये लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये लीफ का या तो एपेक्स होता है या पूरा लीफ ही जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसको अपन टेंड्रिल्स बोलते हैं। तो ये टेंड्रिल्स जो है वो सपोर्ट करते हैं इसके अंदर आपका कहीं भी क्लाइंबिंग के अंदर जो है सपोर्ट करते हैं इसमें, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर रिप्रोडक्शन, देखिएगा कुछ प्लांट्स के अंदर लीव्स वो रिप्रोडक्शन का भी काम करती है। जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है इसके अंदर ब्रायोफिलम, ब्रायोफाइलम। ये ब्रायोफाइलम के अंदर देखिएगा लीव्स होती है, तो इसमें लीव्स होती है उसके लीव्स के मार्जिन पे किनारों पे जो है वो आपको यहाँ पे ब्रांच होती है, इन लीव्स की मार्जिन पे ही आपको ऐसे बर्ड्स होती हैं। जब ये लीव्स जो है वो इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है या फिर जो प्रॉपर टेम्परेचर का मॉइस्चर अवेलेबल होता है, न्यूट्रिशन अवेलेबल होता है, तो यहाँ पे ये बर्ड्स जो है वो जर्मिनेट होकर नया प्लांटलेट्स बना देती है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी हेल्प करती है। नेक्स्ट इसमें स्टोरेज ऑफ फूड, फूड अपन लेते हैं इसके अंदर स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स जो है वो फूड को भी स्टोर करती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर आपका ऑनियन, एग्जांपल लिया इसके अंदर अपन ऑनियन। तो ऑनियंस के अंदर जो स्केल्स यूज होती है एक्चुअली वो लीव्स जो है वो फूड को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती है, तो वो ऐसे स्वेल हो जाती है, फूल जाती है इस तरह, ओके। सुन तो ये तो था इसके अंदर अपने लीव्स के कुछ अदर फंक्शंस, तो डिफेंस प्रोवाइड सपोर्ट, रिप्रोडक्शन और स्टोरेज ऑफ फूड। देखिए इसके अंदर अपना लीफ वाला जो टॉपिक है अपना वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। तो देखिए अपने सूट सिस्टम के अंदर एक तो स्टेम के बारे में बात करा, दूसरा लीफ के बारे में बात कर लिया। अब इसके अंदर एक और है इसके अंदर फ्लावर। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या होता है इसके अंदर, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट्स, ओके। थैंक यू।